आज का जो हमारा टॉपिक है दैट अ पोइम, एक पोइम है दैट इज ऑफ क्लास 9 अटम, और जिसका पोएट जो है जॉन क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पोएम में, दैट वी विल हैव टू नो। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस होगा इस पोएम में। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अबाउट द पोएट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ द टेक्स्टुअल वर्ड, जो टेक्स्टुअल वर्ड है उसका मीनिंग समझेंगे, सो दैट इट विल ईजी टू अंडरस्टैंड द पोएम, ताकि हम लोग पोएम जब समझने जाएंगे तो वो पोएम और भी ईजी लगे समझने में, ताकि हमको लाइफ टाइम याद रहे, क्योंकि आप मीनिंग नहीं समझोगे तो पोएम नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज लिटररी डिवाइस यूज इन द पोएम। अब इस पोएम में बहुत सारा लिटररी डिवाइस यूज किया गया है, उन सारे को भी एक एक करके समझेंगे, एंड लाइन बाई लाइन डिटेल्स ऑफ द पोएम, एक एक लाइन का मीनिंग जो है वो भी समझेंगे, और इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, उसके थ्रू से क्या होने वाला है, आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है ये पोएम, ओके। नेक्स्ट इज थीम एंड मैसेज ऑफ द पोएम। हर पोएम और स्टोरी लिखने का कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है, तो इस पोएम के पीछे भी एक मैसेज है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस, हम लोग भी उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन, दिस इज अमर सर हियर। सो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आज। सो दिस इज द पोएट जॉन क्लियर, और इन्होंने ही क्या लिखा है इस पोएम को, लिखा है दैट इज अटम। सो जॉन क्लियर इज द इंग्लिश पोएट। अब इंग्लिश कहने का मतलब नॉट द लैंग्वेज, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड, ठीक है। अगर द लग गया है कहने का मतलब द पीपल के बारे में बात किया जा रहा है, और यही इंग्लिश के पहले अगर द नहीं लगा होता देन इट इज द लैंग्वेज। सो जॉन क्लियर इज द इंग्लिश पोएट कहने का मतलब वो ब्रिटेन के पोएट थे, ठीक है। इंग्लिश को आप लोग जब यूज करते हो और उसके पहले आपने अगर द यूज कर लिया तो कहने का मतलब वो क्या हो गया, ब्रिटेन के लोग हो गए। सो दिस पीपल, दिस जॉन क्लियर इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ वॉट, इंग्लैंड और ब्रिटेन। सो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, इज द इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट इज सम ऑफ हिज नोटेबल कलेक्शन आर फर्स्ट लव, स्नो स्टोव, विलेज, मिनस्ट्रल्स, ये सारा उनका कलेक्शंस है, ये सारे को हमको समझ के रखना है, दैट्स ऑल। इतना ही समझना है हमके हमारे पोएट के बारे में, दैट इज जॉन क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में स्टैंजा वॉइस हम लोग मीनिंग समझेंगे, लेकिन मीनिंग समझने से पहले आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो ब्लू वाले लाइन्स है, ये ब्लू वाला जो वर्ड्स सब है, सबको ए बी ए बी ए बी सी सी करके लिखा गया है, ये क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दिस इज राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हो या फिर कुछ पोएम्स लिखा जाता है तो उसमें एक टोन और टोनैलिटी का यूज किया जाता है, सो दैट उसको सुनने में अच्छा लगे। तो ये क्या है, देखो आप सिक्स, और ये किसे मैच कर जा रहा है, टिक्स। अब डे अवे, तो जो मैच कर जा रहा है उसको एक सिंबॉलिकल मीनिंग दे दिया जा रहा है, जैसे हम लोग उसको कंसिडर कर ले रहे हैं ए से। सिक्स एंड टिक्स को किससे कंसिडर किए, ए से। डे एंड अवे को किससे कंसिडर किए, बी से। और पेन लेन, दिस इज सी। तो इस तरह से हमारे सिक्स लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा में क्या बना, ए बी ए बी सी सी, और यही ए बी ए बी सी सी इज व्हाट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अगर इफ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइम स्कीम क्या है, सो आपको यही लिखना है, ए बी ए बी सी सी। मतलब आप जब नेक्स्ट सिक्स लाइन में जाओगे तो इसी तरह का फिर आपको राइम स्कीम मिलने वाला है, फिर ये और ये मैच करेगा, फिर ये मैच करेगा और ये दोनों मैच करेगा। जब उस लाइन में आएंगे तो फिर हम समझाएंगे इसको, ओके। सो हमने राइम स्कीम समझ लिया कि राइम स्कीम ये है, ओके। अब मीनिंग में आते हैं। द फर्स्ट मीनिंग वी हैव, ओके, द फर्स्ट मीनिंग वी हैव फिटफुल गस्ट। अब हवा जब जोर से बहती है तो उसका जो झोंका होता है एक जगह जाकर लगता है, दैट इज कॉल्ड फीटफुल गस्ट। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। फीटफुल मतलब होता है रेस्टलेस, जो कंटिन्यू बहते रहता है, और गस्ट मतलब होता है ब्रीज, हवा। तो इस पिक्चर के थ्रू से समझो, जब हवा बहती है तो देखोगे हर कुछ लहराने लगता है, दैट इज फीटफुल गस्ट, जो हवा का झोंका होता है दैट, तो उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। नेक्स्ट है केसमेंट। केसमेंट क्या होता है, केसमेंट इज अ बिग विंडो, ऐसा विंडो जिसमें आपका बैरियर्स नहीं हो, ग्रिल्स वगैरह नहीं लगा हो, मतलब ओपन हो, जिसमें से आदमी आर पर आ जा सके, ठीक है। आप इसको देखो, जैसे इस विंडो में आपको दिख रहा है कि कोई भी ग्रिलिंग है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको इससे आर पार होने में रोक सके, नहीं है। सो दिस कैन बी कॉल्ड केसमेंट। आपके घर में जो खिड़की होगा दैट कैनॉट बी कॉल्ड केसमेंट,
अगर ऐसा है देन इट कैन बी केसमेंट। तो ये केसमेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा पोएम है और जो पोएट है वो टोटली डिपेंड करता है ब्रिटेन के ऊपर। तो ब्रिटेन में इस तरह का घर है जहाँ पर इस तरह का फैसिलिटीज़ है कि वो लोग अपने घर में ये ग्रिल्स वगैरह नहीं लगाते हैं, वहाँ पर केसमेंट होता है और उसी को। और यहाँ का जो गांव भी है, और हमारे गांव और यहाँ के गांव में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे गांव में जो झोपड़ी होता है वो फूस का होता है, उनके गांव में जो झोपड़ी होता है वो फूस का नहीं होता है। बेसिकली हमें इस बात को भी समझ के रखना है क्योंकि आगे ये काम आना है। ओके, सो केसमेंट में हमने समझ लिया, केसमेंट इज व्हाट, अ बिग विंडो विदाउट ग्रिलिंग और विदाउट एनी फिस्टिंग। ओके, सो मौज़ी मतलब क्या होता है, ओवरग्रोन विद मतलब ज़्यादा पत्तेदार अगर कुछ हो गया है, ज़्यादा झंझार हो गया है, दैट इज मौज़ी। और एक जो ट्री है एल्म ट्री, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो ट्री है यही दिस इज एल्म ट्री, और इस ट्री में देखो पूरी तरह से पत्ता भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मौज़ी। ओके जी, सो इस तरह से हमारा ये मौज़ी एल्म ट्री है। ओके, सो हमने ट्री को देख लिया। अब ये पिक्चर्स आपको दिमाग में रखना है सो दैट ये पोएम जो है आपको इजिली याद हो जाएगा, इजिली आप इस बात को समझ पाओगे आगे जब लाइन बाई लाइन डिटेल्स में जाएंगे। तो शो फिटेड फिट, और ये जो है हमारा जो ट्री में जो है फ्लावरिंग जब होता है और उसमें फ्रूट जब लगते हैं तो इस तरह का होता है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं। ओके, शो फेरेट मतलब क्या होता है, जब कोई पत्ता सूख जाता है, ग्रीन होता है, उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, उसी को यहाँ कहा गया है फेरेट, मतलब ग्रे हो जाता है, वो डल हो जाता है, वो झरने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ भी उस फेडेड लिप्स के बारे में बात किया गया है, एल्म ट्री का जो फेडेड लिप्स है उसके बारे में बात किया गया है कि वो सूख गया है। फेडेड अवे कहने का मतलब क्या है, फेल डाउन, वो लोग गिर रहे हैं, ठीक है जी। ट्विलिंग मतलब क्या होता है, ट्विलिंग मतलब ट्विस्टिंग होता है, ये जो यहाँ ट्विलिंग कहा गया है जो पत्ते का गिरना होता है उसके बारे में। ओके, और लेन मतलब होता है स्ट्रीट। तो इस स्टैंजा में हम लोग ने मीनिंग देख लिया। सेकेंड स्टैंजा में आते हैं, दैट इज वॉट सेकिंग ट्विग, एक छोटा सा नन्ना सा पौधा है जो हमेशा सेक करता हुआ रहेगा, जस्ट क्यों, क्योंकि हवा बह रहा है जिसके वजह से, तो उसको कहते हैं ट्रेम्बलिंग। ट्विग मीन्स सैपलिंग्स, छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं, जो सैपलिंग्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसको ट्विग कहा गया है। ईव इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉट, इवनिंग। रिग इज वॉट, वेसल, ठीक है। और यहाँ ये देख लो, ये जो पार्ट है, दिस इज अ कॉटेज, विलेज कॉटेज, ये हमारा विलेज कॉटेज नहीं है, इंग्लैंड का विलेज कॉटेज है। आपकी कॉटेज से मतलब समझ ले रहा कि झोपड़ी होना चाहिए, फूस होना चाहिए, गांव जैसा, हमारे गांव जैसा दिखना चाहिए। हमारे गांव और उनके गांव में बहुत डिफरेंस है, उनके गांव में इस तरह का होता है कॉटेज। तो ये कॉटेज के ऊपर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, रिग, और यही है कॉटेज रिग। ओके जी, शो आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। कॉटेज रिग मतलब क्या हो गया, टॉप पार्ट ऑफ अ कॉटेज टू एग्जिट द स्मोक थ्रू द रिग, इस रिग से जो स्मोक निकलेगा दैट इज कॉटेज रिग। फ्लोटिंग बाय कहने का मतलब, चिर्प मतलब होता है जो बर्ड्स लोग चिर्पिंग करता है, सिंगिंग करता है, ट्विटरिंग करता है, दैट इज चिर्प। एंड फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, टू ट्रीट समथिंग प्लेफुली, किसी से आप मजाक करते हो, दैट इज फ्लर्टिंग। तो यहाँ पर उस फ्लर्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, दैट इज थर्ड स्टैंजा। कर्ल मतलब जो क्वाइल्ड होता है, घुंघरूला होता है, उसके बारे में। नेकेड ट्रीज मतलब होता है, अब नेकेड मतलब तो ऐसे नंगा होता है, तो यहाँ लीफलेस है, मतलब उसका पत्ता जो है एक तरह से उसके लिए क्लोथ है, और जब पत्ते झड़ जाते हैं, लीफलेस हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नेकेड हो जाता है, लाइक दिस ट्री। इस ट्री में सारे पत्ते झड़ गए तो वो सारे क्या हो गए, नेकेड ट्री हो गए। ओके, नेक्स्ट में आता है, दैट इज कोट। कोट मीन्स होता है नेस्ट, घोंसला। डंग मतलब होता है जो कंपोस्ट होता है, अब खाद जो होता है गोबर का, उन सारे को कहा गया है कंपोस्ट। हिल कहने का मतलब वो थोड़ा ऊंचा है किसी के लिए, जिसके वजह से, या फिर खाद एक जगह पर ज्यादा जमा हो जाने से क्या होगा, वो हिल टाइप जो बन जाएगा, दैट इज डंग हिल। ओके, मिल मतलब यहाँ विंड मिल के बारे में बात किया गया है, जो ये है आपका डंग हिल और विंड मिल ये है, ये विंड मिल है। और यहीं पर आप देखो, ये जो उठा उठा सा चीज़ है जहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं हो सकता है, और विंड मिल खासकर उसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर खेती नहीं होता है, इनफर्टाइल लैंड होता है, तो ये हीथ भी उसी को इंडिकेट कर रहा है, दिस पार्ट इज हीट एंड दिस इज मिल। ओके, तो मिल सेल्स कहने का मतलब, ये जो जब रोलिंग करते रहता है इसका फैंस वगैरह ब्लेड, तब उसको सेल कहा गया है। और हीथ किसको कहा गया है, दिस पार्ट, दिस इनफर्टाइल लैंड इज वॉट हेथ। ओके,
नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. हिथ इज मिडोस इनफर्टाइल लैंड. ओके नेक्स्ट पार्ट इज द स्टांजा ऑफ फोर्थ स्टांजा लास्ट स्टांजा. इसमें फीदर है. फीदर मीन्स विंग्स होता है. एंड रेविन्स मतलब होता है फुली ब्लैक क्रो. अब कहने का मतलब पूरा काला कौवा. लेकिन उससे पहले आपने ये कौवा को देखा होगा, आपके दिमाग में यही कौवा आ रहा होगा. लेकिन ये जो है पूरी तरह से ब्लैक नहीं है. दिस इज नॉट रैपिन. ओके क्योंकि यहाँ पर इसका छाई जैसा कलर है. ठीक है, जिसके वजह से आप ये पिक्चर देखो तो समझ में आएगा दिस वन इज रैबिन. आप इस पिक्चर को याद रखो कि ये रैबिन है. तो इसके बारे में यहाँ बात किया गया है और इसी का जो ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट यही से पंख गिरता है, उसके बारे में बताया गया. ओके सो रैबिन हमने देख लिया, रैबिन समझ लिया, क्योंकि आपके पिक्चर के थ्रू से याद रखना है. बाद में पिक्चर वगैरह उस तरह से नहीं आएगा, मीनिंग में हम लोग देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं. अब देखते हैं स्टेबली क्या होता है. द शॉर्ट लोअर पार्ट ऑफ स्टीम ऑफ क्रॉप्स. जब क्रॉप्स पक जाता है, उसको काटा जाता है, तो जड़ से जहाँ काटा जाता है, जो जमीन में रह गया जमीन के साथ, जड़ के साथ, वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया. ली मतलब क्या हो गया? ग्रास कवर्ड लैंड, जो ग्रास से भरा होगा. तो जब काट लिया जाता है जमीन में जो भी आपका क्रॉप्स वगैरह था, तो उसके बाद ग्रास वगैरह आ जाता है, तो उस पूरे लैंड को क्या कहा जाता है? स्टेबली कहा जाता है. ये देखो, ये खेती कट गया है, कटने के बाद अलग अलग से क्या आ गया है? आपका घास वगैरह भी आ गया है और ये क्या है? आपका स्टेबल है. एंड दिस टोटल लैंड इज व्हाट? स्टेबली. ओके सो उसके बारे में बताया गया है. अकॉन्स क्या होता है? अकॉन्स जो ये पार्ट है, जो एल्म ट्री में जो फल लगता है, दैट इज कॉल्ड अकॉन्स. ओके एंड जब सूख जाता है, ये खाने लायक जब हो जाते हैं, तो इस तरह के ग्रे टाइप में दिखने लगते हैं. ओके पैटरिंग इज वॉट? जब कोई चीज गिरेगा, मान लो आप एक्रॉन्स गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वो जो रिपीटेडली गिरेगा और लाइट साउंड जो आएगा, दैट इज कॉल्ड पैटरिंग हियर. उसी को पैटरिंग कहा गया है. ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे हैं पिक्स लोग वहां पर है, और जो पिक्स लोग गुर्रा रहे हैं, मरमरिंग कर रहे हैं, दैट इज ग्रंटिंग. स्क्रैम्बल मतलब होता है मूव क्विकली, मेसअप मतलब ऐसा जैसे कि कुछ खाना अभी आने वाला है और बहुत सारे सुअर वहां पर है, और एक साथ जब झपट मारेंगे उसके लिए, तो वो जो क्या होगा? मिशअप होगा. जो एक के दूसरे पर धक्का मारते हुए लोग सुअर लोग वहां पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्क्रैम्बल. ओके सो हमने मीनिंग देख लिया, मीनिंग इज फिनिश्ड. आगे बढ़ते हैं. आन देखो, ये जो यहाँ पर लोग एक्रॉन्स खाएंगे, तो उसके बारे में बताया गया. नेक्स्ट आते हैं लाइन बाय लाइन, हम लोग मीनिंग समझते हैं कि लाइन बाय लाइन क्या मीनिंग है. अब फर्स्ट स्टैंजा में ये 6 लाइंस है. आई लव द फिटफुल गस्ट, मतलब पोएट, आई रेफर्स टू द पोएट. हु द पोएट इज? जॉन क्लेयर. ओके आई लव द फिटफुल गस्ट. हु लव? द पोएट जॉन क्लेयर लव. व्हाट? फिटफुल गस्ट. फिटफुल गस्ट को बताया गया था किस तरह से होता है, हवा का जो झोंका होता है वही फिटफुल गस्ट होता है. और वही किसको अच्छा लगता है? वही अच्छा लगता है पोएट को. दैट सेक्स, और वही जो हवा है किसको हिलाते रहता है, सेक्स करते रहता है? केसमेंट, जो बिग विंडो का जो पेन था, जो आपको दिखाया गया था कि वो हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है, और उसके थ्रू से आदमी कैन क्रॉस, मैन कैन क्रॉस, दैट इज कॉल्ड केसमेंट ऑल डे. तो ये दिन भर जब हवा चल रहा है, तो दिन भर ये केसमेंट क्या हो रहा है? खर 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 करे जा रहा है. एंड दिस साउंड एंड दिस एक्टिविटी इज लव्ड बाय द पोएट. पोएट को ये बहुत अच्छा लगता है. आगे बढ़ते हैं. एंड फ्रॉम मॉजी एल्म ट्री, और जो वहाँ ट्री है उस खिड़की के बाहर में जहाँ से पोएट देख रहा है, वहाँ पर कौन सा ट्री है? एल्म ट्री है. और वहीं से क्या है? टेक्स द फेडेड लीव्स अवे, और वहीं से उस पेड़ के जितने सारे पत्ते हैं जो फेडेड कर गए हैं, दे आर फॉलिंग डाउन, वो गिर रहे हैं. ठीक है. ट्विलिंग देम बाय द विंडो पेन, और वो लोग कहां से गिरते हुए आ रहे हैं? विंडो पेन से गिरते हुए आ रहे हैं. जहां पर विंडो पेन है, खिड़की का जो पेन है, वहां पर ट्विल करते आ रहे हैं, गिरते हुए आ रहे हैं. आप विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन, और पहले से वहां पर हजारों हजार क्या पत्ते पहले से गिरे हुए हैं, और जब पोएट देख रहा है उस समय भी गिर रहे हैं. ठीक है. अब एक एक लाइन करके समझते हैं. अब ये पेड़ का जो ट्विलिंग बताया गया है, इस बात को हम लोग एक वीडियो के थ्रू से समझ लेते हैं पहले. तो आप पहले वो वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा
इसमें ये जब पत्ता गिर रहा है तो आप ये ट्विल्ड कर रहा है, मतलब फोल्डेड होते हुए गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और एक पत्ता कहीं और जाके गिर रहा है, दूसरा कहीं और जाके गिर रहा है, तीसरा कहीं और जाके जा, इस तरह से उस गली में पूरी तरह से भर जाता है। तो अब मान लो हवा का झोंका ज्यादा है तो क्या होगा, कहीं का पत्ता कहीं और चला जाएगा, इधर का पत्ता उधर चला जाएगा। तो इस वे को यहां बताया गया है कि पत्ते सारे उस तरह से गिर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं बंद करते हैं और आते हैं पोएम में। ओके, सो पोएम में क्या है, एक एक लाइन को आप समझते हैं। हमने समझ लिया ट्वेल क्या होता है, विंडो पेन के थ्रू से होकर गिर रहा था। तो अब देखते हैं एक एक लाइन में क्या मतलब है, क्योंकि लाइन बाई लाइन आपको मीनिंग, और वहीं उसी लाइन से आपको क्वेश्चन सीराइज होगा। तो इस लाइन में पहले वाले लाइन में कह रहा है द पोएट इज लवर ऑफ नेचर, क्योंकि वो लव कर रहा है, किसको लव कर रहा है, ये नेचुरल थिंग्स को लव कर रहा है। दैट्स वाई दीज लाइन शोस कि वो लवर ऑफ नेचर है। द पोएट जॉन क्लियर इज द लवर ऑफ नेचर, एक बात। दूसरी बात में आते हैं, ही लव्स द गस्ट, वो किसको पसंद कर रहा है, द गस्ट, हवा के झोंका को पसंद कर रहा है। विच इज ब्लोइंग फिटफुली, बहुत जोर से जो बह रहा है उसको बहुत उसको अच्छा लग रहा है, वो बहुत पसंद करता है ऐसे हवा को। ओके, द गस्ट सेक्स द कैसमेंट फुल डे, और ये जो हवा का झोंका है वो वाइब्रेट करते रहता है, हिलाते रहता है, किसको, कैसमेंट को, और दिन भर हिलाते रहता है। एंड दैट्स वाई पोएट लव्स दिस एक्टिविटी, और इसीलिए पोएट को ये अच्छा लगता है। यहां तक हम लोग इस लाइन तक समझ गए। तीसरे लाइन में आता है, एंड फ्रॉम द मॉस एल्म ट्री द फेडेड लीव्स आर फॉलिंग, और क्योंकि ये फेडेड कर गया है, ये जो हमारा फेडेड लीव्स है वो किसका लीव्स है, एल्म ट्री का लीव्स है, इसलिए कहा गया द फेडेड लीव्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द मॉसी एल्म ट्री, और वो गिर रहे हैं, क्योंकि फेडेड हो रहे हैं मतलब वो गिर रहे हैं। ओके, द लीव्स आर फॉलिंग इन डांसिंग ट्विलिंग वे, अभी अभी आपको एक वीडियो दिखाया गया था, उस वीडियो में क्या था, द लीव्स वेयर वॉट, डांस करते हुए नीचे गिर रहे हैं। That's why trailing in wind by the window pane, window pane के बगल में गिर रहे हैं। ठीक है, next बात है, the thousands of the leaves have already there in the street, और ये जो बताया गया है last line में कि पहले से जहां पर अभी पत्ते गिर रहे वहां पर पहले से हजारों हजार पत्ते गिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा first stanza का meaning ऑलरेडी ओवर हो गया। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना अगर आपको पहली बार में ना समझ में आया हो। नेक्स्ट बढ़ते आगे, अब यहां देखो, आई लव टू सी द सेकिंग ट्विक डांसिंग टिल द सेट ऑफ इफ, अब पोएट को अच्छा लगता है क्या, सेकिंग मतलब फिर वाइब्रेट करता हुआ, क्या ट्विक, छोटे छोटे जो ब्रांचेस है, छोटे छोटे जो पौधे हैं जो जमीन से लगे हुए हैं, वो जो भी डांस कर रहे हैं वो भी पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर डांसिंग, वो बहुत डांस कर रहा है, यहाँ प्रोसोनिफाइड यूज कर दिया गया। प्रोसोनिफाइड कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी निर्जीव चीज को, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर लिविंग जैसा कुछ कैरेक्टर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसोनिफिकेशन। सो What? Who are dancing? The twigs are dancing. They are shaking. This shaking is compared to dancing. ये जो shake कर रहे हैं उसी को dancing कहा गया है। तो poet को ये बहुत अच्छा लगता है। Till the set of eve, और वो एकदम अंत क्या शाम तक वो लोग क्या करते रहते हैं, set मतलब dance करते रहते हैं। This is called what dancing. The sparrow on the cottage roof. और sparrow भी वहाँ पर है। देखो फिर एक natural object आ गया। That is a sparrow. Sparrow कहाँ पर है? कॉटेज रिक पर है। कॉटेज रिक का भी आपको पिक्चर दिखाया गया था। ऑन दैट रिक देयर इज व्हाट, स्पैरो हुज चिर्प, एंड दीज स्पैरोज आर चिर्पिंग, और यही स्पैरोज जो है वो क्या कर रहे हैं, चिर्प कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वुड मेक बिलीव, और इससे पोएट को बिलीव हो रहा है दैट स्प्रिंग वाज जस्ट नाउ फ्लडिंग बाय, और ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग तो गया, मतलब स्प्रिंग शेष होने को है। इन समर स्लैप, मतलब समर में वो चला गया विद फ्लावर्स टू लाइव, फ्लावर के साथ सो जाएगा, मतलब स्प्रिंग जब तक रहता है तब तक फूल रहता है, स्प्रिंग गया साथ साथ फूल भी गया। ओके, सो अब लाइन बाय लाइन में आते हैं। इस पहले लाइन में क्या कह रहा था पोएट, द पोएट लव्स टू सी द डांसिंग, पोएट को अच्छा लगता है, उसको बहुत ये देखना अच्छा लगता है कि क्या डांस कर रहे हैं, ट्विग्स आर डांसिंग। टिल द एंड ऑफ द ईव, और शाम तक वो लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। द स्पैरो इज ऑन द टॉप ऑफ द कॉटेज रिग, तो ये बताया गया था कि स्पैरो कहां पर है, दे आर ऑन द कॉटेज रिग। ओके, द बर्ड स्पैरो इज चिर्पिंग, जो हमारा बर्ड है स्पैरो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्विटरिंग,
वो लोग गाना गा रहे थे, दे आर चिरपिंग एंड इट्स चिरपिंग इज गिविंग द सिग्नल दैट स्प्रिंग इज ओवर. और इसका चिरपिंग में ही यही बता रहा है कि द स्प्रिंग इज फाइनली व्हाट फिनिश्ड, द टाइम इज ओवर, स्प्रिंग्स टाइम इज ओवर. ओके जी, नेक्स्ट बात में आते हैं. नेक्स्ट लाइन में द स्प्रिंग इज प्रेजेंटेड हियर एज अ लवर. स्प्रिंग को यहां किस रूप में दिखाया गया, एक लवर के रूप में दिखाया गया है ऑफ द फ्लावर्स. अब कैसे देखो, अब यहां क्या कह रहा है, दैट स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लर्ड. फ्लर्ड कौन करता है, फ्लर्ट एक कोई लवर ही कर सकता है. तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज लवर ऑफ व्हाट फ्लावर्स, और उसको फ्लर्ट कर रहा है, उसके गोद में जाकर वो सो जा रहा है प्लेफुली, बहुत खुशी खुशी मौज मस्ती में. तो यहां इस रूप को दिखाया गया है दैट स्प्रिंग इज अ पर्सन एंड फ्लावर्स आर गर्ल्स एंड दे आर फ्लर्टिंग, द स्प्रिंग इज फ्लर्टिंग विद गर्ल. ओके, नेक्स्ट बात में आते हैं. द स्प्रिंग इज जस्ट नॉट फ्लर्टिंग इन द समर्स लैप टू हैव रेस्टफुल लाइफ विद द फ्लावर्स. द स्प्रिंग जस्ट नाउ होगा यहां पर, जस्ट नाउ फ्लर्टिंग, अभी जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर क्या कर रहे हैं, वो लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, और वो लोग समर स्लैप में क्या करने जा रहे हैं, रेस्टफुल लाइफ जीने जा रहे हैं फ्लावर्स के साथ. ओके जी, नेक्स्ट लाइन में आते हैं. आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड थ्रू द नेकेड ट्रीज. और पोएट को ये अच्छा लगता है देखना कि कॉटेज, गांव का जो कॉटेज होता है वहां पर जो स्मोक निकलता है. इंग्लैंड के गांव में क्या होता है कि वहाँ ठंड होता है तो लोग घर के अंदर ही क्या करते रहते हैं, आग जलाकर तापते रहते हैं, और उनके कॉटेज रिक से क्या निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर में दिखाया गया था. तो उस कॉटेज रिक से जो निकल रहा है पोएट को वो धुआं बहुत अच्छा लगता है देखने में. कर्ल अपवर्ड, वो धुआं जो है कर्ल करते हुए ऊपर की तरफ जाता है थ्रू द नेकेड ट्रीज, और जो नेकेड ट्री था उसी के बगल में जो एल्म ट्री था दैट बिकेम नेकेड, वो क्या हो चुका है, नंगा हो चुका है, क्योंकि सारे पत्ते गिर गए, और उसी से होते हुए कौन होकर जा रहा है, जो हवा है उसी से होकर आगे की तरफ बढ़ रही है स्मोक जो है वहां का. ओके, द पीजन नेस्टेड राउंड द कोट, और पीजन ने वहीं पर घोंसला बना रखा है उसी पेड़ के ऊपर. ऑन डल नवंबर डेज, और ये टाइम कौन सा है, अभी अभी द टाइम इज नवंबर, नवंबर का टाइम है, स्प्रिंग सीजन इज ओवर, नाउ द विंटर इज देयर. Like these, the cock upon the dunghill. Dunghill मतलब अभी गोबर बताया गया था कि गोबर बहुत सारे रखे हुए और उसके ऊपर जो है कॉक बैठा हुआ है जिसके लिए वो हिल बना हुआ है. हिल मतलब हमारे से जो ऊंचा होगा, लेकिन ये हिल किसके सेंस में है, कॉक के सेंस में है, उसके लिए थोड़ा ऊंचा है इसलिए उसको हिल कहा गया है. सो द कॉक अपॉन द डंगहिल क्राउनिंग, और वहां पर मुर्गा चढ़कर क्या कर रहा है, क्राउनिंग कर रहा है. द मिल्स, ये मिल्स कौन सा मिल है, विंड मिल. सेल्स मतलब उसके ब्लेड घूर रहे हैं. ऑन द हीथ अ गोइंग, और वो लगातार घूरे जा रहे हैं, कहां पर, हीथ पर, जहां पर इनफर्टाइल लैंड है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होते हैं. अब लाइन बाय लाइन मीनिंग में आते हैं कि एक एक लाइन में क्या मतलब है. ओके, सो द पोएट लव्स टू गेट एक्सपीरियंस द साइट ऑफ कॉटेज स्मोक. तो पोएट को ये देखना अच्छा लगता है कि कॉटेज से जो स्मोक निकलता है उसको ये एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है जी, नेक्स्ट में है. द स्मोक इज गोइंग अपवर्ड, जो स्मोक है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है इन अ कर्ली वे, और एकदम स्ट्रेट वे में नहीं जा रहा है, वो घुंघराले घुंघरू करके मतलब आपका कर्ली वे में जा रहा है थ्रू द नेकेड ट्रीज. और वो कैसे, कहां से होकर जा रहा है, वो आपका पेड़ जो पत्ता खो चुका है, जो नंगा हो चुका है वहां से. नंगा पोएट ने क्यों कहा, एक आदमी के रूप में दिखाने के लिए, जो उसके पत्ते थे वो क्या थे, उसके कपड़े थे, और पत्ते झड़ गए मतलब वो नेकेड हो गए, तो इसीलिए क्या कहा गया है, नेकेड ट्रीज. ओके, नेक्स्ट बात में आता है. द पीजन्स मेड नेस्ट ऑन द ट्री, और यहीं पर जो पीजन्स है वहीं पर उन्होंने क्या बना रखा है, घोंसला बना रखा है. पोएट एक एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस सिर्फ सीन को डिस्क्राइब करके पोएट ये बताना चाहता है कि ये सारा सीन उसको बहुत अच्छा लगता है. इन सारे चीज में कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी वो कनेक्टिविटी क्या डाल रहा है कि ये सारा इमेज है उसके सामने. ओके, द मंथ ऑफ नवंबर इज कॉल्ड डल बिकॉज ऑफ कोल्ड. अब ये मंथ ऑफ नवंबर को डल क्यों कहा गया, क्योंकि कोल्ड है, ठंड है, जिसके वजह से ये कहा गया है. ओके, द कॉक इज अपॉन द डंग हिल एंड ही इज क्राउनिंग. कॉक कहां पर है, कॉक कहां है, डंग हिल पर है, गोबर के जो पहाड़ नुमा बना हुआ है उसके लिए उसके ऊपर है, और वो क्या कर रहा है, वो क्राउनिंग कर रहा है वहां पर. द विंड मिल इज सेलिंग ऑन द हीथ, और विंड मिल जो है वहां पर क्या करे जा रहा है, घुड़े जा रहा है, और कहां पर, हीथ के ऊपर. हीथ क्या होता है, इनफर्टाइल लैंड होता है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होता है, और वहीं पर खासकर विंड मिल लगाया जाता है. द
ताकि किसी को असुविधा ना हो. ओके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. व्हाट आता. ओके अब एक एक बार पहले समझ लेते हैं, इसके बाद लाइन वाले समझते हैं. द फीदर फ्रॉम द रैवेंस ब्रीस्ट. अब रैवेंस आपको समझाया गया था, रैवन मतलब क्या होता है, काला कौवा. वो कौवा नहीं जो आप रोज देखते हो, काला कौवा बाय द वे आपको दिख गया होगा तो दिख गया होगा. तो वो काला कौवा जो है उसका जो ब्रीस्ट है वहां पर जो पंख है वो पंख जो है गिर रहे हैं, फॉल्स ऑन द स्टेबल ली. और वो जो स्टेबल ली दिखाया गया था जो फसल काटने के बाद जो जमीन खाली पड़ जाता है वहां पर घास वगैरह उग जाते हैं, उन स्टेबल ली के ऊपर क्या हो रहा है, फेदर्स गिर रहा है. किसका पंख गिर रहा है, कौवे का पंख गिर रहा है. वो कहां पर है, वो भी एल्म ट्री के ऊपर है. ओके द एक्रॉन्स नियर द ओल्ड क्रो नेस्ट. और ये जो क्रो का जो नेस्ट है वो भी कहां पर है, उसी पेड़ पर है, और वहीं पर उसी घोंसला के आसपास में एक्रॉन एकॉन्स है. एकॉन्स कहने का मतलब उसका जो एल्म ट्री का जो बीज है जो फल है वो लगा हुआ है और उसी के पास में है. फॉल पैटरिंग. और जब एक एक करके गिर रहा है तो देर इज अ साउंड ऑफ पैटरिंग, पट 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 करके जो गिर रहा है दैट इज पैटरिंग. डाउन द ट्रीज और ओक ट्री के नीचे गिर रहे हैं. द ग्रंटिंग पीक्स और पहले से कौन वेट कर रहे हैं, पीक्स. और वो लोग गुर्रा रहे हैं क्योंकि एक दो पिक्स नहीं है, बहुत सारे पिक्स है. और सारे पिक्स क्यों गुर्रा रहे हैं, क्योंकि उसका पार्ट होगा, उसका पार्ट होगा. वो सोच रहा है कि गिरेगा तो वो झपटेगा. वो सब अपने आप में वो क्या दिखाना चाह रहे, ओवर पावरिंग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लेंगे तो हम लेंगे. दैट वेट्स फॉर ऑल. और वो सारे लोग वेट कर रहे हैं किसका, एक्रॉन्स का गिरने का. और वो गिर रहे हैं. स्क्रैम्बल. अब वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं. एंड हरी. और बहुत जल्दी दौड़ कर जाते हैं. वेयर दे फॉल. कहां पर जाते हैं, जहां पर वो गिरते हैं. तो पोएट ने ये सारा सीनरी जो बताया, देयर इज नो कनेक्टिविटी बट वन कनेक्टिविटी इज देयर दैट पोएट लव्स टू सी ऑल दिस. पोएट को ये बहुत अच्छा लगता है देखना कि ऐसा पिक्चर गांव में है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर देयर. तो ये पोएट को अच्छा लगता है. तो आइए अब एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते हैं इस लाइन में क्या क्या बात है. द विंग्स ऑफ द रेवन ब्रेस्ट फॉलिंग ऑन द इनफर्टाइल लैंड. तो विंग्स जो है वो गिर रहा है नीचे में स्टेबली में. ओके द एकॉर्न्स आर बिसाइड द ओल्ड क्रोस्ट. अब एकॉर्न्स है कहां पर, जहां पर कौवे का घोंसला है उसी के पास में एकॉर्न्स है. दे आर फॉलिंग डाउन द ट्री. और वो लोग अब कहां गिर रहा है, वो पेड़ के नीचे गिर रहा है. और ठीक है द एकॉर्न्स आर पैटरिंग बिकॉज दे आर फॉलिंग डाउन ऑन द ड्राई लीव्स. वो आवाज क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो ड्राई लीव्स के ऊपर गिर रहा है, जिसके वजह से देयर इज अ साउंड ऑफ पैटरिंग. पैटरिंग का साउंड है. ठीक है नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. द पिक्स हैव बीन वेटिंग. वो अभी से नहीं वेट कर रहे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब गिरेगा वो. द पिक्स हैव बीन वेटिंग नियर द ट्री. और पेड़ के ठीक करीब में आकर वेट कर रहे हैं. फॉर द एकॉर्न्स टू फॉल फॉर ईटिंग. और वो लोग इसको खाएंगे, जिसके वजह से लोग वेट कर रहे थे. द पिक्स हैव बीन ग्रंटिंग जस्ट टू गेट ओवर पावर अदर्स इन सिक्योरिंग ऑफ एकॉर्न्स. तो वो लोग जो है वहां ग्रंटिंग कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, सिर्फ ये दूसरे को दिखाने के लिए कि वो सिक्योर करेगा पहले, वो लेगा पहले. सारे लोग इसी मेंटालिटी में है. एज सून एज द एकॉर्न्स फॉल्स. और जैसे ही वो गिरता है ऑन द ग्राउंड ऑल द पिक्स मेस अप. सब एक दूसरे को ठेलते ठालते हुए आगे की तरफ दौड़ पड़ते हैं. Each other to secure their parts of nuts. क्योंकि उनको अपना पार्ट चाहिए, उनको जितना जल्दी हो सके वो अपने पार्ट्स को ले लेना चाहते हैं. So this is all about the details of the poem. And the last point is the message. ये message है. The message of the poem is that the beauty of autumn is countryside. In countryside is scenic. बहुत beautiful है, बहुत charming है, बहुत soothing है. इतना अच्छा है that poet couldn't stop himself to write this poem. इतना अच्छा था कि पोएट को बाध्य कर दिया ये पोएम लिखने के लिए. कौन सा, अटम. कौन से पोएम को, जॉन क्लेयर को. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल ओवर डन अटम. हमने ये अटम का एक एक डिस्क्रिप्शन देख लिया. अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको ये पोएम भी जानना है, सो यू कैन राइट इन कमेंट कि हमको ये पोएम. आपने कमेंट में अपने पोएम का नाम देना है, अपने पोएट का नाम देना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा. ठीक है जी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. और इसके साथ ही मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।